राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शुक्रवार सुबह आग लग गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। खबरों के मुताबिक ये आग पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार इलाके में मौजूद एक घर में लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मेरे वाइफ ने देखा कि वहाँ पे धुआं आ रहा है और मुझे जो है चिराग का जो साथ में नेबर है उनका भी जो है कॉल आया मेरे पास कि जो है घर में आग लग गई है। तो जो अंकल जी घर पे रह रहे थे उन्होंने अपने बेटे को इन्फॉर्म किया, बेटे ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद जस्ट मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से आग को काबू करें, लेकिन जैसे ही मैं गया उनके घर के बाहर तो देखा कि वहाँ पे सेंटर लॉक लगा हुआ है और नॉर्मल लॉक नहीं है। तो कोई भी जरिया नहीं था जिससे हम जो है लॉक को तोड़ के गेट तोड़ के जो है अंदर जा सकें। तो बस फिर क्या कहते हैं, मेरे सामने आंखों के सामने जो है मंदिर जिसमें आग लगी थी वो जो है सोफे पे गिरा और फिर सोफे से जो है पूरे घर में आग फैल गई। उस टाइम कौन कौन थे जब आग लगी थी इस कमरे में? वो अंकल जी थे घर में अकेले, सोफे पे लेटे थे वो? नहीं, वो जो अपने रूम में थे। अच्छा, निकल कर आए थे भर आप थे? वो जो है मतलब जो है चलते फिरते कम है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिस जगह पर यह आग लगी वो ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 3 मंजिला और बना हुआ था, लेकिन आग की घटना सेकंड फ्लोर पर घटित हुई जहां पर घरेलू सामान में आग लग गई थी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की टीम ने राहत बचाव कार्य किया। इस दौरान एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसका शव शकरपुर थाना SHO को सौंप दिया गया। दिल्ली से नव द टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।